अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार कैरमल एग पुडिंग। पुडिंग बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका कैरमल बनाएंगे, जिसके लिए हमें 1/4 कप शुगर और 1/4 कप ही पानी चाहिए। ठीक है, अब चाहिए पुडिंग की तरफ। पुडिंग के लिए हमें चाहिए 3 अंडे, 1 कप दूध, 1/4 कप चीनी और 1 टेबल स्पून वेनिला एसेंस। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं जिनसे हम पुडिंग बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। सबसे पहले कैरमल बनाते हैं। आइए चलिए रेसिपी की तरफ। कैरमल बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक पॉट और उसको हम मीडियम फ्लेम पे ऑन करेंगे और उसके अंदर हम 1/4 कप शुगर ऐड करेंगे। और शुगर ऐड करने के बाद जो हमने 1/4 कप पानी लिया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। चीनी को पानी के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाना चाहिए और उसके बाद ये अपना कलर चेंज कर लेगा वाइट से ब्राउन। जब चीनी की खुशबू आने लगे और कलर ब्राउन हो जाए और वो थिक सा पेस्ट तैयार हो जाए, इट मीन्स आपका कैरमल रेडी है। हमारी बन रही है जी पैन के अंदर, हम इसे ओवन में नहीं बनाएंगे। तो जिन लोगों के पास ओवन नहीं है वो बिल्कुल परेशान ना हो, वो भी इस पुडिंग को बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए कोई भी बर्तन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शीशे का जो हीट प्रूफ बर्तन होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, चीनी का बर्तन, XYZ कोई भी बर्तन जिस पर आप बनाना चाहते हैं। यहाँ मैंने ये चीनी का एक पॉट ले लिया है, इसके अंदर मैं इसको बेक करूँगी। सबसे पहले जो कैरेमल हमारा तैयार होगा वो जिस भी बर्तन में हमें अपनी पुडिंग बनानी है उसके अंदर हम इस कैरेमल को डिश आउट करेंगे। ठीक है, मैं करीब से दिखाऊं। जब कैरेमल तैयार होने वाला होगा तो इस तरीके की बबलिंग होगी। चम्मच आप साथ हिलाते रहिएगा, ये अपना कलर चेंज कर लेगा। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जो वाइट कलर था वो डिसअपियर हो गया, अब ये ब्राउन कलर पे आ गया, इट मीन्स आपका कैरमल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे जिस पैन में हमने पुडिंग बनानी है। ठीक है, यहाँ हम कर देंगे इसका स्टोव ऑफ और इसको हम शिफ्ट कर लेंगे जिस भी बर्तन में हमने पुडिंग बनानी है उसके अंदर। सारा कैरमल हम इसके अंदर डिश आउट करेंगे। ठीक है, और इसको इवनली पूरे पॉट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ। देखें, शुगर बिल्कुल कैरमलाइज हो चुकी है, ब्राउन कलर जैसे ही अपेयर होगा हमने चूल्हा बंद कर देना है और जिस भी पॉट के अंदर हमने पुडिंग निकालनी है उसके अंदर हमने कैरमल को इस तरीके से पूरे पॉट की बेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उसके बाद हम इसे 5 मिनट तक छोड़ देंगे, ये ठंडा होगा और खुद ही जम जाएगा। इतनी देर में हम अपना पुडिंग का बैटर प्रिपेयर करते हैं। पुडिंग हम बना रहे हैं एक पॉट के अंदर, एक पैन के अंदर, या ओवन में नहीं बन रही, इसलिए आप लोग कोई भी पतीली, कोई भी कढ़ाई, कोई भी ऐसा बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं जो, या तो आप, मैंने जिस तरीके से ये एक पतीली ले ली है, जो एक्स्ट्रा पतीली मेरे पास थी और इसको मैंने ओवन पर्पज़ के लिए ही रिजर्व कर दी है। ठीक है, मैंने इस तरीके से एक पतीली ली है, उसके अंदर मैंने जो रेती है, मिट्टी है, वो ऐड करी है ताकि इसकी अच्छी हीट डेवलप हो। और उसके ऊपर मैंने एक पतीली का स्टैंड रख दिया है इस तरीके से। अब हम जब अपना पुडिंग का बैटर बनाने जा रहे हैं, मीनवाइल हम 10 मिनट तक इस पतीली को प्रीहीट देंगे, इसलिए मैंने इसे फुल आंच पे गर्म होने रख दिया है और इसको ढक देंगे इस तरीके से। ठीक है, फुल आंच पे हम इसको गर्म करेंगे, 10 मिनट के अंदर ये ज़बरदस्त हीट हो जाएगा, इतनी देर में हम अपना पुडिंग का बैटर प्रिपेयर करेंगे। फ्रेंड्स, अब जब हमारी पतीली हीट हो रही है तब तक हमने ये जो कैरमल का मिक्सचर था इसको ठंडा होने के लिए यहाँ एक साइड पे रख दिया है। अब हम पुडिंग का बैटर प्रिपेयर करेंगे। यहाँ हमने एक सबसे पहले एक अदद प्याला ले लिया है जिसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे 1 कप। कोशिश करके दूध नीम गर्म लीजिएगा ताकि चीनी अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो। इस 1 कप दूध के अंदर हमने 1/4 कप शुगर ऐड करी है और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसके अंदर शुगर मिक्स हो चुकी है, फिर एक एक करके अंडा ऐड करेंगे।
यहाँ पे हमारा एग पुडिंग का बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम इस बैटर को इस कैरेमल वाले पॉट के अंदर पोर करेंगे। आप देख सकते हैं कैरेमल अच्छी तरीके से जम चुका है, मैं पूरे पॉट के ला रही हूँ लेकिन कहीं से भी ये क्रैकिंग नहीं हो रही है। ठीक है, अब हम इस पुडिंग के बैटर को इसके अंदर शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक छन्नी ले लेंगे और छन्नी के थ्रू हम इसके अंदर शिफ्ट करेंगे ताकि अगर अंडा कहीं पर भी बीट होने से रह गया है या कोई फ्रेगमेंट है तो वो इसके अंदर ना आ जाए। ठीक है जी, इस तरीके से हम पूरी पुडिंग का बैटर इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये जो रेसिड्यू है ये हम रख सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से हमारा पुडिंग का बैटर तैयार है। अब इसको हम अपने ओवन के अंदर शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा जो पतीली वाला ओवन है वो अच्छी तरीके से हीट हो चुका है। अब हम इसको ढक्कन हटाकर जो हमारा पुडिंग का मिक्सचर है वो इसके अंदर डालेंगे बहुत एहतियात के साथ। आँच स्लो करके इस बर्तन को हम इसके अंदर इस तरीके से ऐड करेंगे से ढक देंगे। ठीक है, हमने इसको जो है मीडियम टू स्लो फ्लेम के ऊपर 30-35 मिनट्स के लिए बेक करना है। ठीक है, 30 मिनट्स के लिए मैं इसको बेक करूँगी और फिर मैं आपको इसको डिस्चार्ज करके दिखाऊँगी। जो लोग इसको इलेक्ट्रिक या गैस ओवन में हीट करना चाहते हैं वो इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक करेंगे फॉर 25 मिनट्स, और जो लोग स्टोन ओवन में इसको बेक कर रहे हैं वो 30-35 मिनट्स के लिए रखेंगे मीडियम टू स्लो हीट पे। ठीक है जी, यहाँ पे हमने जो पुडिंग बेक करी थी वो ठंडी हो चुकी है। अब इस तरीके से हम इसके कॉर्नर्स कट करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी एग कैरेमल पुडिंग बिल्कुल रेडी है। हम इसको कट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार पुडिंग तैयार है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।